नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम भक्ति के अंतर्गत आने वाली दूसरी भक्ति की धारा सगुण भक्ति धारा इस काव्य की विशेषताएं देख लेंगे। सगुण भक्ति धारा अर्थात ईश्वर का सगुण साकार रूप, यह रूप है राम के रूप में और यह रूप है कृष्ण के रूप में। अतः सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, शाखाएं राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इन दोनों पर आधारित सगुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं बताई जाती है। अतः ये विशेषताएं क्या हैं वह देखने से पहले हमें सगुण किसे कहते हैं या सगुण का अर्थ क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। सगुण का अर्थ, आराध्य के रूप गुण आकार की कल्पना अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना, यानी अपने भावों के अनुसार हम अपने आराध्य की कल्पना करते और उसे हम अपने बीच देखते हैं। सगुण भक्ति में ब्रह्म के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है, उसका अवतार है, जैसे हमने राम और कृष्ण के बारे में बताया, और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु अथवा ब्रह्म के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परब्रह्म ही मानते हैं। इसकी चर्चा यथास्थान की जाएगी। अतः किस प्रकार राम और कृष्ण को परब्रह्म माना जाता है इसकी चर्चा हम जहाँ करते हैं उसे कहा जाता है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, एक राम भक्ति धारा, दो कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के आद्य प्रवर्तक है तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा के आद्य प्रवर्तक है सूरदास। अतः तुलसीदास के आराध्य राम हैं और सूरदास के आराध्य कृष्ण हैं। इन दोनों के कवि पर आधारित सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं इस प्रकार बताई जाती है। हम हमेशा विशेषताएं दो पक्षों में देखते हैं, एक भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में उस भाव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक अलंकारिक बनाने के लिए कला के कौन से पक्षों का प्रयोग किया है वह देखते हैं, और भाव पक्ष यानी उसका आशय पक्ष। इसमें पहली विशेषता है ईश्वर का सगुण रूप, दूसरी विशेषता है अवतार भावना, तीसरी विशेषता है लीला रहस्य, चौथी विशेषता है रूप उपासना, पांचवी विशेषता है शंकर के अद्वैतवाद का विरोध, छठी विशेषता है भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति की अमान्यता, सातवीं विशेषता है गुरु की महिमा, आठवीं विशेषता है भक्ति का स्वरूप, नवीं विशेषता है लोक जीवन और दसवीं विशेषता है मोक्ष। इस प्रकार विभिन्न विषयों को लेकर सगुण भक्ति धारा काव्य का भाव पक्ष चला है। अतः ये उसकी काव्य की विशेषताएं हैं, इस पर आधारित यह सगुण भक्ति धारा है ऐसा हम कह सकते हैं। एक एक विशेषताओं का विवेचन या स्पष्टीकरण हम करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए केवल आज हम दो ही विशेषताओं का यह स्पष्टीकरण देंगे, पर बाद में अगली विशेषताओं का स्पष्टीकरण अगले वीडियो में हम देंगे। पहली विशेषता है ईश्वर का सगुण रूप। जैसे हमने ऊपर बताया, सगुण रूप यानी ईश्वर का साकार, उसके आप गुण बता सकते हैं। हम अपने भावों के अनुरूप ही हम अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं और उसे सगुण साकार रूप में हम देखते हैं। अतः भक्ति के लिए ईश्वर का सगुण रूप बहुत ही आवश्यक है, और ईश्वर के इस सगुण रूप की कल्पना राम और कृष्ण के रूप में की है। इसका कारण है कि इन कवियों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया है। इसका कारण है कि वह शंकराचार्य जी ईश्वर को ही सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं, और इनके दृष्टि से ईश्वर और जगत में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न नहीं है, और जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं। इसीलिए इन्होंने
शंकराचार्य के अद्वैत का विरोध करते हुए ये कहा है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए भगवान और भक्त के बीच कोई न कोई रूप भेद होना आवश्यक है, और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ऐसा रूप भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। इसीलिए सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भगवान की भक्ति के लिए भगवान और भक्त के बीच अंतर आवश्यक माना है। इसीलिए ईश्वर का सगुण साकार रूप स्वीकार कर इस धारा में अनेक दार्शनिक मत प्रवाहित हो गए। वो मत इस प्रकार है। पहला मत है रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद, जो 11वीं शताब्दी में चला। विशिष्टा द्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने जीव जगत और ब्रह्म में अंतर माना है। जीव जगत और ब्रह्म में अंतर माना है क्योंकि उन्होंने, मैंने ऊपर आपको बताया, भक्ति के लिए ब्रह्म और जीव में अंतर होना आवश्यक है। जीव जगत और ब्रह्म में अंतर माना है, फिर भी उन्होंने तीनों के बीच जो संबंध बताया है वो संबंध है शरीर के भांति और शरीर के अवयवों की भांति। शरीर यानी यह ब्रह्म है और उसके जो अन्य अवयव हैं वो भी उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं या उसके एकाधिकार हैं, उसके ही साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ जुड़े हुए जीव और जगत है, जीव है, यानी जीव ब्रह्म का ही अभिन्न अंग है लेकिन उसका अलग अस्तित्व है। ये बताने का प्रयास रामानुजाचार्य ने किया, यानी कि विशिष्ट है, विशिष्ट ब्रह्म है और उसका एक अंग जीव है और इसीलिए उसमें जीव को ब्रह्म का अंग मानकर उसकी भक्ति के लिए जीव को अलग माना है। दूसरा पंथ चला है मध्वाचार्य द्वैतवाद, वह पूर्णतः जीव और जगत को, जीव और ब्रह्म को पूर्णतः अभिन्न मानते, अलग अलग मानते हैं, अभिन्न अलग अलग मानते हैं। और मध्वाचार्य जीव को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति की आराधना बहुत आवश्यक मानते हैं। ये द्वैतवाद है, दोनों अलग है, जीव और ब्रह्म अलग है। तीसरा पंथ चला है वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद, इन्होंने पूर्णतः अपने भक्त के लिए, अपने जीव के लिए भगवान का अनुग्रह आवश्यक माना है, उसकी पुष्टि आवश्यक मानी है। जब तक भगवान का अनुग्रह या भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आप अपने जीवन में या जीव अपने जीवन में या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यह वल्लभाचार्य का पंथ है शुद्धा द्वैतवाद, शुद्ध माना है, माया से विरहित उन्होंने अपने जगत को, अपने जीव को माना है और ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद, ब्रह्मा का आशीर्वाद आवश्यक माना है और यह है शुद्धा द्वैतवाद, उसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार सुगुण भक्ति धारा में जो पंथ चले या जो मत चले, दार्शनिक मत चले, उन मतों में भगवान का रूप वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को शुद्ध ब्रह्म के रूप में माना है और वह हर जीव में वास करता है, जीव में यानी जीव के अंदर वास करता है और बाहर लीलाएं करता है, ये बताने का प्रयास किया है। इसलिए भक्ति के लिए भगवान का रूप होना बहुत आवश्यक है। शंकराचार्य जी ने ये दोनों को अभिन्न मानकर यह होना असंभव है, इसीलिए सगुण भक्ति धारा में ईश्वर का सगुण रूप साकार किया है। भले ही ईश्वर और जीव की सत्ता अभिन्न हो लेकिन भक्ति के लिए उनकी सत्ता मानना बहुत आवश्यक है। दूसरे, जीव का परम लक्ष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, यही भक्ति का लक्ष्य है। और तीसरा, समस्त सृष्टि में ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला का ध्यान करना, उसका गायन करना भक्ति का अंग है। यानी भक्ति का अंग क्या है, ईश्वर का नामस्मरण करना, उसकी लीलाओं का गायन करना, और इसीलिए सगुण रूप आवश्यक है। कृष्ण और राम आदि अवतार इसी ईश्वर के सगुण रूप है। जैसे तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी सिया राम को सब जग जानता है और ऐसे राम को हमें प्रणाम करना चाहिए।
इस प्रकार यह सुगुण मुक्ति धारा में पहली विशेषता है ईश्वर का सगुण रूप, जो जीव और ब्रह्म को अलग करता है। और जीव एक यह सृष्टि जीव ब्रह्म का ही अंग है, परंतु ब्रह्म इस जगत का सृष्टि का निर्माता है और जीव उससे अलग है। और जीव को ब्रह्म की उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो जीव के लिए उसका कुछ न कुछ रूप सामने होना आवश्यक है, तभी जाकर भक्ति संभव है। इसीलिए सगुण मुक्ति धारा में ईश्वर के सगुण रूप को साकार या प्रमुख माना है। इसकी दूसरी विशेषता है अवतार भावना। यह सगुण रूप है, अर्थात यह अवतार लेते हैं और उन्होंने राम और कृष्ण के अवतार के रूप में अपने ईश्वर की कल्पना की है। यह अवतार भावना ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरी शरीरा, यानी इस धर्म की हानि होती है। बाढ़ ही असुर अभिमानी, यह असुरों का प्रभाव बढ़ता है, तब इन निर्गुण ईश्वर ही सगुण रूप धारण करते हैं और यहाँ अवतार लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेहु तनुभूप, किए चरित्र पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। यानी भगत के, यानी भक्ति भगवान भक्त के लिए ही भगवान राम ने यह अपना रूप धारण कर लिया है और अपने चरित्र से सब इस सृष्टि को, प्रकृति को पावन किया है, अपने अनुरूप बनाया है, राममय बनाया है। अर्थात अवतार उन्होंने लिया है। अर्थात राम क्या है? राम अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए न जाने किस किस रूप में अवतरित होते हैं। उनका चरित्र संसार को सुख प्रदान करने वाला है, कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त करने वाला है, स्नेह आत्मीयता भक्तवत्सलता सद्भाव और प्रेम की अद्भुत मिसाल है। यानी राम ने जो अवतार लिया है वह केवल सृष्टि के कल्याण के हेतु ही लिया है। इस प्रकार सगुण ईश्वर ही अवतार धारण करते हैं, इसलिए सगुण मुक्ति धारा की दूसरी विशेषता है अवतार भावना। अन्य भी विशेषताएं हैं, विशेषताएं कौन सी है बाद में देख लेंगे, आज यह रुकते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।